टुडे व्हाट आई हैव टुडे आई हैव सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल इट मींस दैट वीएस नायपाल ऑलरेडी आई हैव टेकन द वर्क अ नॉवेल ऑफ दिस राइटर दैट वाज अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास उसे मैंने कवर किया था. मैंने कहा था कि इन अ लेक्चर आई विल गो विद द बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ दिस मैन स्पेशली you can say when was he born, when did he die, and when did he get the Nobel Prize for Literature. Yeah, you can say ki V.S. Naipaul at a glance. So you get here what? Yeah, there are some important questions which I would like to mention it here. Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul, jaisa inka pura naam hai, jo full form hai V.S. Naipaul ka, was born on 17th August 1932. What is the date? 17th August 1932. To jo Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul hai, he was born on 17th August 1932. Died on 11th August 2018. Died on 11th August 2018. अगर देखा जाए 1932 और 2018 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के कुछ दशक तक दो दशक अगर कहा जाए 21वीं शताब्दी के दो दशक तक उनका अपना एक लिटरेचर में दबदबा रहा या उन्होंने काम किया. वाज अ त्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर कहा के थे त्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर ऑफ वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन उनका जो वर्क है वो फिक्शन और नॉन नोन फॉर हिज कॉमिक अर्ली नॉवेल सेट इन त्रिनिदाद उनका जो वर्क है अर्ली कॉमिक नॉवेल्स में वो कहां पे उसका सेटिंग है त्रिनिदाद में. तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी एस नायपाल वॉज बॉर्न ऑन 17th August 1932, died on 11th August 2018. 11 August 2018, 1932 को जन्म हुआ था. कहां से बिलोंग करते हैं? या यू कैन से त्रिनिदादियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर त्रिनिदाद के बॉर्न ब्रिटिश राइटर of works of fiction and non-fiction in English. He is known for his comic early novel set in Trinidad, his bleaker novels of alienation in the wider world and his vigilant chronicles of life and travels. He wrote in prose that he was widely admired. So, abhi main ye janna chahta hu, jo aapko maine bataya bhi ki which year he was born. 1932. He was born on 17th August 1932. ठीक है. When did he die? 11th August 2018. उनका जब जो पूरा एज है वो क्या था 85 years. लंदन में उनकी मौत होती है और जब उनका जन्म हुआ था तो त्रिनिदाद में हुआ था. त्रिनिदाद में आल देश 1932. तो 20वीं शताब्दी और टू डिकेड्स ऑफ 21st century. Occupation उनका क्या है? Novelist के रूप में. Non-fiction और fiction उन्होंने लिखा हुआ है. तो इस पूरे पेज में बस इतना मिला कि उनका नाम का जो फुल फॉर्म है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल. वी से विद्याधर, यस से सूरज प्रसाद, बाकी नायपाल तो लिखा ही है. उनका जन्म कब हो रहा है? उनका जन्म 17 अगस्त 1932 को. डेथ 11 अगस्त 2018 को. त्रिनिदाद बॉर्न ब्रिटिश राइटर ऑफ वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ये सब चीजें समझ में आई. 85 साल की उम्र में वर्क उनका जो था वो नावल को लेकर के रहा. नेशनैलिटी उनकी जो रही ब्रिटिश रही है. अल्मा मेटर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. जस्ट रिपीट अल्मा मेटर अल्मा मेटर not alma mater. You have to tell the name of the what was the alma mater. University College Oxford. I just said ki repeat alma mater. It means that ki you must know ki which famous writer was born of which university. To hum sare logon ko apne alma mater pe garv hota hai aur ek inka alma mater kya hai? University College Oxford. Period 1957 se 2010.
जानरा क्या है? जानरा नॉवेल। और उनका जो नोटेबल जानरा आपका नॉवेल और ऐसे, उनके और जो नोटेबल वर्क्स हैं कौन कौन से? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द इनिग्मा ऑफ अराइवल। व्हाट डू यू सी हियर? अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द इनिग्मा ऑफ अराइवल। उनके जो नोटेबल अवार्ड्स हैं, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, बुकर प्राइज 1971 में, जेरूसलम प्राइज 1983 में, नाइट बैचलर 1990 में, नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2001 में। सो यू सी व्हाट यू सी या कि उनका नेशनलिटी ब्रिटिश राइटर थे, ब्रिटिश बॉर्न ब्रिटिश राइटर त्रिनिदाद के। दूसरा चीज, जो अल्मा मेटर है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड रहा है, पीरियड 1957 से 2010 तक। ये जो पीरियड 1957 से 10 तक है, ये उनका क्रिएटिव वर्क का पीरियड है, उनका क्रिएटिव वर्क का पीरियड है। जानरा, नावेल और ऐसे, नोटेबल वर्क्स, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट उनका नोटेबल वर्क्स का ध्यान में रखना कि नोटेबल वर्क्स, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द इनिग्मा ऑफ अराइवल, प्लस उसके बाद जो नोबल प्राइज से लेकर के, बुकर प्राइज से लेकर नोबल प्राइज तक जो अवार्ड मिले हुए हैं। बुकर प्राइज 1971 में, जेरूसलम प्राइज 1983 में, नाइट बैचलर 1990 में, नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2001 में। स्पाउसेस उनकी जो रही हैं, मतलब बेटर हाफ या उनकी पत्नी जो थी, पैट्रिसिया एन हेली, पैट्रिसिया एन हेली, नादिरा खानम अलवी, ये दो उनकी जो है वाइफ रही हैं। पहली से मैरिज उनका 1955 में हुआ था, डाइड 1996 में, फिर नादिरा खानम अलवी से 1996 में उनकी मैरिज होती है। पेरेंट्स जो है उनके, सीपर सीपर सैद नेपाल है, श्री सी प्रसाद नेपाल फादर। रिलेटिव्स जो है, कैपिल कैपिलडियो फैमिली, शिवपाल शिवा नेपाल, ये ब्रदर वगैरह दीज थिंग्स, उस पे नहीं, बट वाइफ का पता होना चाहिए कि नादिरा खानम अलवी और पैट्रिसिया एन हेल, इन सबसे ये दो उनकी वाइफ रही है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वेन डिड ही गेट बुकर प्राइज? 1971 1971। जेरूसलम प्राइज 1983 1983 नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2001 2001 एंड व्हेन डिड ही रिसीव नाइट बैचलर? 1990। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज अल्मा मेटा? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। कैन यू टेल मी अबाउट हिज लिटरेरी, द पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी वर्क? द पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी वर्क 1957 टू 2010 1957 टू 2010 या ओके दैट्स गुड। आई नो, इवन आई नो कि दैट यू नो इट वेरी वेल, बट आई जस्ट वांट टू नो द नेम ऑफ हिज टू वाइव्स, उनकी दोनों पत्नियों का क्या नाम रहा है? पैट्रिशिया एन हेले और नादिरा खानम अल्वी। या पैट्रिसिया एंड हेली एंड नादिरा खानम एलवी। सेकेंड पॉइंट आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू हु हैज रिटन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इन अ फ्री स्टेट, अ बेंड इन द रिवर, द एनिग्मा ऑफ अराइवल। हु हैज विद्याधर रिटन? सूरज प्रसाद नायपॉल। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, दैट्स गुड दैट्स गुड। सो यू सी, इस शीट में इतना इंपॉर्टेंट है, जो बातें वहां पे हुई वही यहाँ पर भी, लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूँ। नेपाल से ब्रेक थ्रू नॉवेल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये कब पब्लिश हुआ था? 1961 में। नेपाल वन द बुकर प्राइज 1971 में फॉर हिज नॉवेल इन अ फ्री स्टेट। ये एक क्वेश्चन नया आपको मिलेगा, उनको बुकर प्राइज जो मिला हुआ है वो किसके लिए? 1971 में उनके नॉवेल इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला हुआ। ही वन द जेरूसलम प्राइज इन 1983 एंड इन 1989। जेरूसलम प्राइज उनको दो बार मिला, 83 में 89 में। ही वॉज अवार्डेड द ट्रिनिटी क्रॉस, त्रिनिदाद एंड टोबागोज हाइएस्ट नेशनल ऑनर। ही रिसीव्ड नाइटहुड इन ब्रिटेन इन 1990। नाइटहुड उनको 1990 में मिला हुआ, और उनका जो नोबल प्राइज इन लिटरेचर वो कब रहा है? 2001 में रहा है।
तो जो हम लोगों ने पहले स्टडी किया वही सेम चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो नई चीजें मिली हुई है। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो पब्लिश हुआ है, इट पब्लिश इन 1961, एक चीज ये मिला हुआ है। दूसरा चीज जो बुकर प्राइज उनको 1971 में मिला हुआ, एक इसके लिए उनका इन अ फ्री स्टेट के लिए। बाकी जेरूसलम प्राइज दो बार मिला है 1983 1989 में। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हेन अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पब्लिश्ड 1961 गुड। एंड व्हेन डिड ही गेट बुकर प्राइज, व्हेन डिड ही गेट एंड फॉर व्हिच वर्क 1971 in a free state। कैन यू टेल मी द डेट, द टू डेट्स व्हेन 1983 एंड 1989। व्हेन डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज 2001 he received Nobel Prize in 2001। And the knighthood in Britain, knighthood in Britain 1990। So अब उसके बाद उनका लाइफ एंड करियर यहाँ पे दे रहा है, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ। ये कोई ऐसा नहीं, ये कोटेशन है जो उनके वर्क फ्रॉम एनिग्मा ऑफ अराइवल से लिया गया है। एनिग्मा ऑफ अराइवल 1987 में आई हुई है। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं, बट आप एक बार अपने आप से भी पढ़ सकते हैं अगर कभी ये कोटेशन आता है किस किस का, जिसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा बात किया हुआ है। एनिग्मा ऑफ अराइवल में वेयर देयर हैड बीन स्वाम्प एट द फुट ऑफ द नॉर्दर्न रेंज विद मड हट्स with eastern walls that showed the damp halfway up, there was now the landscape of Holland sugar cane as the crop had ceased to be imported। sugar cane वगैरह को अपनी लाइफ को लेकर के उन्होंने क्या किया हुआ है उसको यहाँ बताया। sugar cane as the crop had ceased to be imported, none of the Indian villages were like villages I had known, no narrow roads, no dark overhanging trees, no huts, no earth yards with hibiscus hedges, no ceremonial lighting of lamps, no play of shadows on the wall, no cooking of food in half walled veranda, no leaping firelight, no flowers along gutters or ditches where frogs croaked the night away. These things you see. V.S. Naipaul was born to Draupadi. This is the place, Draupadi, D-R-O-A-P-A-T-I. Was born to Draupadi, ठीक है, उनकी माँ है, and father का parents को लेकर के C. Prasad Naipaul on 17th August 1932. वही सारी बातें मैंने बताया कि उसका उनका father का sugar plantation का, और हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में भी ऐसा ही जिक्र किया गया है। तो जो माँ है और फादर है उनका यहाँ पे है कि द्रौपदी या जो भी रहा होगा, द्रौपदी वी आर सेइंग बट दैट मस्ट बी द्रौपदी एंड सी प्रसाद नायपाल, सुगर प्लांटेशन, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। देन यू कम टू नो कि क्राउन कॉलोनी ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको में उनका फैमिली सेटल हो गया था, लेकिन सब इंडिया से ही। ही वॉज द कपल सेकेंड चाइल्ड and first son। Naipaul's father C. Prasad was an English language journalist। उनके father, ये चीज ध्यान में रखना है। Naipaul's father C. Prasad was an English language journalist। In 1929 he had begun contributing stories to the Trinidad Guardian। Father Trinidad Guardian में लिखा करते थे। And in 1932 he joined the staff as the provincial चागुआनास करेस्पॉन्डेंट। दिस थिंग्स यू फाइंड। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बहुत ज्यादा करूं, लेकिन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिल जाए। लेकिन जितना बातें यहां हुई वो पहले भी डिस्कस हो चुका है। अ प्रोडक्ट टू एन ऑटोबायोग्राफी
Naipaul describes how she possesses a great reverence for writers and for the writing life spawned the dreams and aspirants of his eldest son. In the 1980s, Naipaul's paternal grandfather had immigrated from India. एक क्वेश्चन ये मिला हुआ है 1880 में नेपाल के जो ग्रैंडफादर थे वो इंडिया से क्या कर गए थे इमिग्रेट कर गए थे माइग्रेट कर गए थे इमिग्रेट दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर ये एक डेट है 1880 में उनके ग्रैंडफादर टू वर्क एज एन इंडेंटर्ड सर्वेंट इन अ सुगर प्लांटेशन कहां सुगर प्लांटेशन में इन द 1890 हिज मैटरनल ग्रैंडफादर वाज to do the same during this time many people in india their prospects blighted by the great famine india mein chuki great famine tha kafi akal wagaira pada hua tha uski wajah se bahut sare log yahan se chhod ke ja rahe the had immigrated to distant outpost of the british empire such as trinidad guyana suriname and fiji although slavery had been abolished in these places in 1833 slave labor was still in demand and indenture was the legal contract being done to meet the demand keh rahe ki even slavery khatam ho gayi thi lekin slave labor ki demand phir bhi rahi hai aur slavery kab abolish hua tha 1833 mein i just want to tell you what you have to remember naipaul ke father c prasad english language journalist rahe hain त्रिनिदाद गार्जियन में लिखते थे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है उनके ग्रैंड फादर 1880 में इमिग्रेट कर गए थे इंडिया से और सुगर प्लांटेशन का ऑल दीज थिंग्स हम लोग देखते हैं ग्रेट फेमाइन की बात की गई है 1876 और 78 का जो समय है दीज थिंग्स बी सी अकॉर्डिंग टू द जीनियोलॉजी द नेपाल्स हैड रिकंस्ट्रक्टेड इन त्रिनिदाद They were Hindu Brahmins embraced from the knowledge of his mother's family. His father's background had remained less certain. Their ancestors in India had been guided by ritual restrictions. Among these were those on the food. खैर ये सब उसी चीज को लेके कोई ऐसा नहीं है उनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी कुछ नहीं पर्सनल लाइफ में ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ट्रिप टू अर्जेंटीना इन 1972 नेपाल मेट एंड बिगैन एन अफेयर विद मार्गरेट मरी से उनका अफेयर था ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है अर्जेंटीना की यात्रा पे जब वो थे तो उनकी मुलाकात मार्गरेट मरी से होती वहां पे उनका उनसे अफेयर रहा है गुडिंग अ मैरिड एंग्लो अर्जेंटाइन मदर ऑफ थ्री ही रिवील्ड हिज अफेयर टू हिज वाइफ वन ईयर आफ्टर इट बिगन टेलिंग हर दैट ही हैड नेवर बीन सेक्सुअली सेटिस्फाइड इन देयर रिलेशनशिप इन पैट्रिक फ्रेंच बायोग्राफी नेपाल रिकाउंट्स हिज डोमेस्टिक अब्यूज टुवर्ड्स मार्गरेट I was very violent with her for 2 days with my hand. She thought of it in terms of my passion for her. My hand was swollen. French writer that the cruelty of Naipaul was part of the attraction. He moved between both women for the next 24 years. उनकी life का जो था उसको जो है लेकर के जिक्र किया गया है In 1995, as he was traveling through Indonesia with Gooding, his wife Patricia was hospitalized with cancer. She died the following year. Within 2 months of her death, Naipaul ended his affair with Gooding and married Nadira Alvi. Dusri Nadira Alvi, a divorced Pakistani journalist, more than 20 years his junior, jo unse 20 saal choti thi. He had met her at the home of the America. Consul General in Lahore in 2003 he adopted Nadira's daughter Maliha who was then 25 2003 mein unhone Nadira ki beti ko adopt kiya who was then 25 jo 25 saal ki thi Naipaul's brother Shivpal Naipaul Naipaul's brother Shiva Naipaul was a novelist and journalist Shiva died in 1985 at the age of 40 bahut tender age mein died at the age of 40 1985 mein Shiva Naipaul then you find ki Naipaul ka khud ka death unka death kya hai Naipaul died at his home in London on 11th August 2018 before dying he read and discussed Lord Tennyson's poem crossing the bar ye question bahut important hai death hone se pehle wo jo jis cheez ko discuss kar rahe the kya tha read and discussed Lord Tennyson's poem crossing the bar his funeral at his beside junke bagal mein hi thi his funeral took place
एट कैंसल ग्रीन सेमेट्री, कैंसल ग्रीन सेमेट्री में उनका अंतिम संस्कार हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होगा अगर कि स्टॉपिंग बाई वुड एक पोयम रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, और वो पोयम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर पड़ी थी जब वो उनका डेथ हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब 11 अगस्त 2018 को इनका डेथ हुआ था तो उस समय उन्होंने कौन सी पोयम डिस्कस किया था या कौन सी पोयम वो पढ़ रहे थे, क्रॉसिंग द बार। क्रिटिकल रिस्पांस क्या है, इन अवार्डिंग नेपाल 2001 द नोबल प्राइज इन लिटरेचर द स्वीडिश एकेडमी, नोबल प्राइज कौन देता है, स्वीडिश एकेडमी देती है, प्रेज्ड हिज वर्क, उसने काफी प्रशंसा की फॉर हैविंग यूनाइटेड परसेप्टिव नैरेटिव एंड इनकरप्टिबल स्क्रूटिनी इन वर्क दैट कंपेल्स अस टू सी द प्रेजेंस ऑफ सप्रेस्ड हिस्ट्रीज। द कमेटी एडेड नेपाल इज अ मॉडर्न फिलोसफर, कमेटी ने कहा नेपाल क्या है, मॉडर्न फिलोसफर है, कैरिंग ऑन द ट्रेडिशन दैट स्टार्टेड ओरिजिनली विद लेटर्स प्रेजेंस एंड कैंडाइड इन अ विजिलेंट स्टाइल विच हैज बीन डिजर्वली एडमायर्ड ही ट्रांसफॉर्म्स रेज into precision and allow events to speak with their own inherent irony. The committee also noted Naipaul's affinity with the novelist Joseph Conrad. उनका जो affinity था किससे था, Joseph Conrad से था। एक question ये भी मिला कि committee ने पाया कि उनका जो affinity है किसके साथ है, Joseph Conrad के साथ है। Then you see awards and recognition, ये पहले भी बात हो चुका है, Booker Prize 1971 में, जेरूसलम प्राइज 1983 में, ट्रिनिटी क्रॉस 1990 में, किंग नाइट बैचलर 1990 में, नोबल प्राइज 2001 में। अब आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है उनका वर्क है जो फिक्शन है, द मिस्टिक माजिया 1957, द सफरेज ऑफ इलवीरा 1958, माइग्यूल स्ट्रीट 1959, A House for Mr. Biswas 1961, Mr. Stone and the Knight's Companion 1963, The Mimic Man 1967, A Flag on the Island 1967, In a Free State 1971, इसके लिए क्या मिला, Booker Prize, Gorillas 1975, A Bend in the River 1979, The Enigma of Arrival 1987, Away in the World 1994, Half a Life 2001, Magic Seas 2004। ये तो उनका फिक्शनल वर्क था। नॉन फिक्शनल वर्क क्या था, द मिडिल पैसेज इंप्रेशंस ऑफ फाइव सोसाइटीज, ब्रिटिश फ्रेंच एंड डच इन द वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964, The Loss of El Dorado 1969, The Overcrowded Barracoon and Other Articles 1972, India a Wounded Civilization, this is a very important, India a Wounded Civilization, A Congo Diary, The Return of Eva, all these things, Among the Believers and Islamic Journey, Finding the Center, Two Narratives, A Turn in the South, India a Million Mutinies Now 1990 में, Beyond Belief, Islamic Excursions Among the Converted People, Between Father and Son, Family Letters, ये सब भी है, The Writer and the World Essays, The Writer and the World Essays 2002, A Writer's People, Ways of Looking and Feeling 2007, The Mask of Africa, Glimpses of African Belief, Grief, A Writer Reckons, Lost, तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, उनका जो फिक्शनल वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें भी रहा एक तो। लेटर वर्क्स जैसे आया हुआ है तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका, कुछ वर्क्स के नाम है, 1974 में उन्होंने नॉवेल गोरिल्लाज लिखा हुआ है, फॉलोइंग अ क्रिएटिव स्लम दैट लास्टेड सेवरल इयर्स, अ बेंड इन द रिवर 1979 में आया है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ नेटिव हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, डेविएशन फ्रॉम हिज यूजुअल न्यू वर्ल्ड एग्जामिनेशन, 1984 में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन इन
डालास टेक्सास एट द बेस्ट ऑफ रॉबर्ट इज द एडिटर, ठीक है ये सब चीजें रही है। 1987 में द एनिग्मा ऑफ अराइवल उनका आता है, 1998 में एक नॉन फिक्शन आता है बियॉन्ड बिलीव्स इस्लामिक एक्सकर्शन एमंग द कन्वर्टेड पीपल दिस थिंग्स यू सी, और 2010 में द मास्क ऑफ अफ्रीका ग्लिम्पसेस ऑफ अफ्रीकन बिलीफ। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक ग्लास में था इंफॉर्मेशन बहुत सारा, लेकिन ऐसा नहीं कि यू कांट डू, यू कैन डू, बस आपको केवल क्या करना एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेना, एंड नथिंग यू सी नथिंग यू फाइंड हियर। आई जस्ट वांट टू से कि जो भी चीजें बताई गई है या जो भी चीजें आपको यहाँ पे अभी किया गया एक बार उसका रिवीजन करना है, इफ यू रिवाइज इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें रही उसको जो है, तो एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। एंड आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे जो है वो करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है वो।